हम इसका एक मार्किंग उतार लेते, तो निशान उतार लेना है। देखें जो भाई लोग लगाना सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को प्रॉपर देखें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल MZS वुडवर्क। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल MZS वुडवर्क पर। मैं आज आपको बताने वाला हूं ये जो लोक होता है हमारा दराज के अंदर, इसको किस तरह से फिट किया जाता है। लंबी चाबी वाला लोक होता है, कहाँ से फिटिंग किया जाता है दराज के अंदर। तो आपको स्टेप बाय स्टेप इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं इस वीडियो में। आप बने रहें शुरू से लेकर आखिर तक। न्यू कारपेंटर भाई इस वीडियो को देखें, जो भाई लोक लगाना सीखना चाहते हैं वो इस वीडियो को प्रॉपर देखें, जब उनकी समझ में आएगा लोक को किस तरह से वो आसानी से लगा सकते हैं। तो आज मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूं वो बहुत ज़्यादा आसान है, काफ़ी ज़्यादा आसानी से किसी भी दराज के अंदर ये लंबी चाबी वाले लोक को इंस्टॉल कर सकते हैं। आपकी लंबी चाबी वाला लोक है, ये मार्क कंपनी का है, आपको इजीली ये मार्केट में मिल जाता है। इस तरह से आता है, ये देखिए, ये तो आपका लोक हो गया। ये इसके साथ आप सबसे पहले जब लोक लें तो ये भी देख लें कि इसके साथ ये नोप है नहीं है, जो इसके लोक के आगे हमारी चाबी पर लगती है, जिसकी चाबी है आपको इसके साथ दो चाबियाँ मिलती हैं। ये टू साइड लोक होता है। आप इसकी जो फिटिंग होती है वो किस तरह से की जाती है आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हो। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। अब जो मैं जानकारी आपको देने वाला हूँ इस लोक की फिटिंग करके दिखाऊंगा, और काफ़ी ज़्यादा आपको इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है, आप काफ़ी ज़्यादा आसानी से आप ये लोक को लगा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं इसमें जो है यहाँ पर ये डबल टेप लगा लेता हूँ, तो कुछ इस तरह से हमने टेप लगा लिया। उसके बाद हम इसका सेंटर कर लेते हैं। तो अब जो है अब ये आपको दिख रहा है इसका गैप, आपको इस तरह से अपने अंदाज से भी आप सेंटर कर सकते हैं। तो सेंटर जो कर रहा हूँ, जो मेरी चाबी आएगी सेंटर में जाए तो उससे ज़्यादा बेहतर लगता है। तो इस तरह से हम इसका एक मार्किंग उतार लेते हैं। उसके बाद ये अपना लोक को रख के देख लेना है। तो मेन जिस बात का ध्यान रखना है, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा इसको खोलकर, अगर आप ये पौन इंची के बोर्ड में लगा रहे हैं, जो हमारा ये काउंटर बन रहा है ये पौन इंची के बोर्ड पर ही बना हुआ है, अगर हम बिल्कुल इसको फेस से करके लगाएंगे तो आपको दिख रहा होगा ये काफ़ी ज़्यादा बाहर को आ रहा है, तो ये पूरा पौन इंची बाहर को आ रहा है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये लोक लगा है ये दो बार में खुलता है हमारा। जब हम इसको कम्प्लीटली खोल लेते हैं, अगर ये हमारा फेस में लगा होगा तो ये बहुत ज़्यादा आउट हो जाएगा, और ये पौन इंची का जो बोर्ड है हमारा ये ऊपर को भी, तो अगर हम उसकी खुदाई करेंगे जहाँ ये लोक जाकर फंसेगा उस जगह अगर हम खुदाई करेंगे तो वहाँ पर जाकर ये फाड़ भी सकता है। तो आपको जो इसमें ध्यान रखना है, ये आपको तीन सूत निकालना है, जो आगे का इसका लोक है ना ये आपको तीन सूत निकालना है। तीन सूत तो ले लिया, ये लोक हमारा नीचे इस तरह से लगना है। तो ये आपको यहाँ पर जब इसकी मार्किंग करोगे आप सामने से, तो आपको ये उल्टा करके रखना होगा इस तरह से, जिस तरह से मैंने रखा हुआ है ना, आपको इस तरह से ये उल्टा करके रखा हुआ होगा, ये जब भी नीचे जाके ये इस तरह से फिट हो जाएगा। तो अब जो है ना, अब ये जो इसका आप होल देख रहे हैं, जब ये आप लोक लगाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, जब आपका हाथ में ये लोक होगा। तो ये आपको ये तीन, ये इसका सबसे ये जो ऊपर वाली जो इसकी ये लोक करने की वो होती है, ये आपको पूरी कम्प्लीटली निकाल लेनी है। उसके बाद ये आपको जो ध्यान रखना है, इसमें तीन सूत का ही ध्यान रखना है। मैं कील से निशान ले लेता हूँ, जो हमने यहाँ पर ये वो लगा रखा है निशान, ये आपको होल में इसके सेंटर में करके इस तरह से इसके सेंटर में एक कील से निशान ले लेना। ये ले लिया हमने निशान, ये देखिए आप, ये हमारा वो आ गया निशान। आपको दिख रहा होगा जो लोक की लाइन दिख रही है आपको, ये दिख रही होगी लाइन आपको, इसमें इस बात का ध्यान रखना है, एक तो निशान हमारा ये हो गया जो हमने ये इस पर लिया है सेंटर में लिया है, अब ये नीचे जाएगा इस तरह से, ये लोक हमारा चला गया, और इसमें जो हमारी वो जाएगी चाबी वो कुछ इस तरह से जाएगी। तो आपको इस, ये जो आपने अगर लोक आप इस किसी दराज में लगा रहे हैं, अगर लोक को आप किसी दराज में लगा रहे हैं, तो आपको इसमें क्या करना है, एक निशान ये ले लिया, उसके बाद एक निशान और ले लेना है। तो मैं इससे आधा सूत छोड़ के एक निशान और ले लेता हूँ, और फिर आधा सूत छोड़ के फिर एक निशान को और ले लेता हूँ। आपको नीचे के साइड में तीन निशान लगा लेने हैं कुछ इस तरह से, ये आपको दिख रहा होगा, तो कुछ इस तरह से आएगा निशान। अब हम इनको ड्रिल मशीन से होल कर लेते हैं। ये आपको जो बिट का यूज़ करना है इसमें 6 mm वाले बिट का ही यूज़ करना है। तो अब हम इसके में होल कर लेते हैं। एक होल हमारा ये हो गया, और एक होल हम और नीचे कर लेते हैं इसके। मशीन से इनको आगे पीछे करके इन्हें साफ कर लेना है। ये हमारा होल हो चुका है, उसके बाद हम इसमें चेक कर लेते हैं अपनी चाबी को डाल के। तो ये हमारी चाबी है, तो ये हमारा होल हो चुका है, ये देखिए आप। अगर आप इस तरह से इसकी लोक की फिटिंग करते हैं तो हमारी चाबी बिल्कुल फ्री जा रही है, देखिए। तो इसमें सबसे ज़्यादा मेन होता है वो यही होता है, जो हमारी चाबी बिल्कुल फ्री जाए। मैं इसको आपको पूरा प्रोसेस समझा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से समझना। ये लोक उठा लिया हमने, उसके बाद ये आपको जब आप लोक लगाओगे ना,
तो ये आपको ये जो चीज़ है ये आपको इस वाले जो हमने ये होल किया है इसमें साफ दिख जाएगा, पर हमारी चाबी घूमेगी ये जगह आपको यहाँ पर इस होल में बिल्कुल साफ दिख जाएगी। आपको उसी के सेंटर में ऐसा होना चाहिए कि वो जगह आपको होल में बिल्कुल साफ दिखनी चाहिए। उसके बाद हम इसे पेंच कस लेते हैं। तो दोस्तों अब हम इसको यहाँ पर लॉक को लगा लेना है, उसके बाद यहाँ पर आप हमें चाबी डाल के ट्राई कर लेना है। ये देखिए हमारी चाबी बिल्कुल फ्री जा रही है और ये देखिए ये अंदर बाहर को भी हो रहा है। जहाँ भी आपकी फ्रिज आए वहीं पे आपको इसको रोक लेना है, उसके बाद यहाँ आपको हाथ से पकड़ लेना है इसको। आपको यहाँ पर इस तरह से जब आप देख लेना आपकी चाबी बिल्कुल फ्रिज आ रही है तो उसके बाद हाथ से यहाँ पर पकड़ लें, उसके बाद ये जिसको इसके जो होल हैं आपको ये दो निशान उतार लेने हैं। दोस्तों ये देखिए आप ये एक निशान हमारा यहाँ पर आ चुका है और एक निशान हमारा यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद अब आपको ये हथौड़े ले लेनी है और एक कील ले लेनी है। इस ये जो हमारा यहाँ पर निशान आया आपको इसके सेंटर में जो है कील से होल कर लेना है। तो एक निशान आपको कुछ एक होल इस तरह से यहाँ पर आपको मार लेना है और एक होल आपको ये नीचे मार लेना है। इस निशान का आप सेंटर में मारोगे तो हमारा प्रॉपर तरीके से जैसे हमने लॉक वहाँ पर चेक किया था उसी कंडीशन में हमारा बिल्कुल सेम आ जाएगा। तो अब हम लॉक को लगा के देख लेते हैं। तो ये देखिए आपके लॉक में जो ये चार आपके इसमें पेच कसने के लिए खांचे बने होते हैं, ये 1.5 इंची के पेच का आपको यूज़ करना है इसमें। तो दोस्तों इसे दो पेच लग चुके हैं, उसके बाद हम इसको चेक कर लेते हैं हमारी ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो देखिए प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। तो आप इस तरह से लॉक लगाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा आसानी से लॉक लगा सकते हैं और काफ़ी सिंपल तरीके से आप इसमें लॉक लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये ब्लू कंप्लीट अच्छे से काम करेगा। तो ये दोस्तों हमारे चारों पेच इसमें लग चुके हैं, अब हमारा लॉक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हम इसके आगे की नोब लगाते हैं। ये इस तरह से सीधा रखना है, उसके बाद यहाँ पर ये रख लेना है, इसके सेंटर में करके आपको रख लेना है क्योंकि हमारा होल पे साफ दिख रहा है, जो सीधा करके आपको रख लेना है। उसके बाद हम इसमें 1.5 इंची कीले लगाएंगे, तो आप पेंच भी लगा सकते हैं, वैसे मैं तो कीले ही लगाता हूँ। तो मैं इसको थोड़ी सी कट कर लेता हूँ, तो दोनों कीलों को मैं काट लेता हूँ। तो मैं दोनों के लिए कट चुकी हैं, तो हम इस पर फेविकोल लगा लेते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, तो इससे हमारी कोई भी नोब लूज़ नहीं होगी और ना ही गिरेगी ये। उसके बाद इसको यहाँ पर रख लेते हैं, तो बिल्कुल आपको ये सीधा करके यहाँ पर लगा देना है। तो इस तरह से आपको ये केले इसमें लगा लेनी है। हमारा लॉक भी अब बिल्कुल लग के तैयार हो चुका है। तो आप देखिए तो इस तरह से हमारा आया है, देखो ये हैंडल के हमारे सेंटर में आ गया। अगर आप इस तरह से अगर लॉक लगाते हैं तो आपका ये हैंडल के बिल्कुल सेंटर में लॉक की नोब आ जाती है। अब हम इसमें चाबी और डाल के देख लेते हैं, हमारी चाबी भी इसमें, ये देखिए बिल्कुल हमारी चाबी प्रॉपर तरीके से अंदर जा रही है। तो आज मैंने आपको ये तरीका बताया, काफ़ी ज़्यादा आसान तरीका है, कोई भी न्यू कारपेंटर भाई फर्स्ट टाइम में भी इस लॉक को काफ़ी ज़्यादा आसानी से लगा सकते हैं जिस तरीके से मैंने आज आपको ये बताया है तरीका। अब हम इसको लेकर चलते हैं सीधा वहाँ पर जाकर फिटिंग करते हैं इसकी। तो दोस्तों अब हम डाल के देख लेते हैं और इसकी लॉक की अब मैं आपको फाइनल जानकारी देने वाला हूँ। आपको इसको खोल लेना है, उसके बाद इसके अंदर चाबी डाल के जो इसकी आपकी ये नोब होती है इसको ऊपर को उठा लेना है। तो ये जब आपके ऊपर उठ जाए तो आपको ये थोड़ा सा फेविकोल ले लेना है इस तरह से और इसकी नोब पर आपको लगा लेना है। इस तरह से आपको ये फेविकोल लगा लेना है, आपका फेविकोल लग गया। उसके बाद आपको इसको बंद कर देना है, इसको नीचे को डाउन कर देना है। इस तरह से आपको नीचे को डाउन कर देना है और उसके बाद इसको बंद कर देना है। तो आपको अपनी जो वो है दराज इसका फेस कर लेना है इस तरह से, आपको ये फेस में हो जो हमारी टक्कर है फेस में। उसके बाद इस चाबी को आपको ऊपर को उठा देना है ये इस तरह से 2-3 बार, आपको आपको वहाँ पर निशान आ जाएगा। 2-3 बार इस तरह से कर लिया है आप, उसके बाद अब आपका अंदर निशान आ जाएगा। अब हम इसको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों आपको ये 3 सूत वाली निहानी ले लेनी है, आपको ये दिख रहा होगा ये 3 सूत में आती है हमारी एक निहानी, इसको निकाल लेते हैं। ये देखिए आप ये हमारे इतने हिस्से में बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आ चुका है। तो अब हम इसको जो है ना 3 सूत इसके अंदर खुदाई कर लेते हैं, तो इसको हम 3 सूत गहरा कर लेते हैं। ये जो हमारा फेविकोल का जो वो है निशान थोड़ा फालतू रख के मार लें, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आपके दो वो लग जाए निशान तो उसके बाद आपको एक कील की मदद से ये आपको एक 2 इंची कील ले लेनी है और आगे से इसका जो है ना मुँह को छेद लेके इस पर धार लगा लेनी है। तो उसके बाद
दराज को लॉक करने की जगह थी, हमने खुद तो कंप्लीट कर चुकी है, आपको दिख रही होगी ये कुछ इस तरह से हमारी खुद चुकी है, ये देखिए आप। तो अब हम इसमें दराज लगाकर देखते हैं, तो देखते हैं हमारा लॉक प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो दोस्तों अब हमने ये दराज को अंदर डाल लिया है, अब हम इसको चेक करके देख लेते हैं हमारा प्रॉपर लॉक लग रहा है या नहीं लग रहा। तो इस तरह से हम इसको बंद करते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं। तो देखिए हमारी दोनों चाबी खुल चुकी हैं, अब हम इसको खोल के देख लेते हैं। तो ये अपना MM भी इसमें फ़र्क नहीं है। तो अगर इस तरह से आप लॉक लगाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आसानी से लॉक लगा सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से आपका ये लॉक की फिटिंग आएगी। तो ये देखिए आप बिल्कुल ये परफेक्ट तरीके से हमारा लॉक फिट हो चुका है। तो अब हम इसको खोल लेते हैं, ये देखिए आप। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज जो मैंने आपको तरीका बताया वो ये जो दराज में आपका लॉक होता है ये किस तरह से लगाया जाता है, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मैंने आपको बताई। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ये आपको वीडियो कैसी लगी, ये तरीका आपको कैसा लगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो नीचे दिए गए लाल कलर के बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पर क्लिक कर लें। मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिलती रहेगी। मैं आपके लिए ऐसी जानकारी की वीडियो लकड़ी के काम से रिलेटेड जानकारी की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं। उम्मीद करता हूं ये लोग लगाने तरीका भी आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।